OIC working on a plan to find a solution to the Kashmir issue. Welcome to our channel, Your Views, Your News. Do subscribe and follow us on Twitter and Instagram. OIC ने कहा है कि वे लंबे समय से चले आ रहे कश्मीरी इशू पर एक सोल्यूशन खोजने के अपने एफर्ट्स में पाकिस्तान और इंडिया के बीच डायलॉग चैनल शुरू करना चाहता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अन्य मेंबर कंट्रीज के सपोर्ट से इस मैटर पे एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है। OIC के जनरल सेक्रेटरी हिसैन इब्राहिम ताह ने एक बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया है, शायद उनकी नॉलेज में थोड़ी सी कमी रह गई है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर OIC का हिस्सा है जिसकी कलेक्टिव और इंडिविजुअल जिम्मेदारी है और वह इस मुद्दे पर बात करें ताकि इसका सलूशन निकाला जा सके। हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? नहीं, नहीं। तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? रिसेंटली OIC डेलीगेशन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट किया। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रेसिडेंट ने अपने रिमार्क में ये कहा कि कश्मीर वॉज नॉट ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बट रादर एन इशू ऑफ द फ्यूचर ऑफ द नेशन। OIC सेक्रेटरी जनरल को इस इशू में सपोर्ट के लिए अप्रिशिएट करने लगे। इससे पहले कायरा के साथ डेलीगेशन चकोटी सेक्टर गया जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर मिलिट्री कमांडर से मिले। आजकल वैसे भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉलिटिशियंस के लिए हेडलाइंस में बने रहने के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन बन गई है। इस तरह के स्टेटमेंट्स ने एक बार फिर OIC के डबल स्टैंडर्ड को शो किया है। जब बीजिंग द्वारा शिनजियांग में उइगर मुसलमान एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है तो OIC के मेंबर सारे चुप रह जाते हैं। यहाँ तक कि रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, डिटेंशन सेंटर में फोर्स्ड नसबंदी, फोर्स्ड लेबर, जेनोसाइड और मास रेप्स पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पालन करने की बात आती है तो OIC अपनी इम्पोर्टेंस को खुद खत्म कर रहा होता है। मेंबर कंट्रीज हमेशा से ही उइगर इश्यूज पर बात करने से बचती रही हैं, जबकि इशू बहुत ही सीरियस हैं। ये शेमलेस डबल स्टैंडर्ड OIC की एज एन ऑर्गेनाइजेशन हिपोक्रेसी दिखाती है, जो कि इमोरल और एक्सट्रीमली डेंजरस है इस ग्लोबल पीस के लिए। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1969 में फॉर्म किया गया था। इसके अभी प्रेजेंट में 57 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जेद्दा सऊदी अरेबिया में है। वैसे तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और हार्मनी के बारे में बात करना है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें इन्होंने लास्ट कुछ सालों में की हैं उससे यही पता चलता है कि ये पीस की दूर दूर तक कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको हमेशा ही डिस्प्यूटेड मैटर पे बोलना होता है।